दोस्तों, ये वही मकड़ा है जिससे मानव जीवन को ही नहीं पूरे जीव जंतु को जो है कष्ट है। ये मानव को अगर शरीर में टच कर जाए तो बहुत ही दिक्कत देती है। ये मकड़ी के शरीर में टच करते ही या दबाते ही ये उस जगह को बहुत ही जहरीला कर देता है और इससे इन्फेक्शन होती है। यह इन्फेक्शन इतना घातक होता है कि जब तक रहेगा पूरा जलन देती है और यह बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये मुझे ही हुआ है, ये किस तरह से हुआ और देखिए कितना घाव बना दिया, ये गर्दन के पास का है। ये मकड़ी इतना खतरनाक होता है कि टच करने पर इस तरह से अगर वह काट ले तो मनुष्य की जान भी जा सकती है। इसीलिए सावधानी रखें और मकड़ी से बचकर रहें। पूरे भारत में इसके कई प्रजातियां हैं, उनमें से कुछ प्रजातियों के बारे में मैं आज बताऊंगा जिससे टच करने या काटने से इस तरह का इन्फेक्शन होता है। मैं विशेष से बताता हूं कि ये मकड़ी किस तरह का होता है, कैसे होता है और इससे होने वाली बीमारियां क्या सब है। मैं उन सभी चीज़ों को बारीकी से बताऊंगा। ये देखिए किस तरह से हुआ है। मकड़ी एक प्रकार का प्रसिद्ध कीड़ा है जिनकी सैकड़ों हजारों जातियां होती है और जो प्रायः सारे संसार में पाया जाता है। इसका शरीर दो भागों में विभक्त होता है, एक भाग सिर और छाती तथा दूसरे भाग पेट होता है। पर कुछ मकड़ियों को केवल 6, कुछ को 4 और कुछ को केवल 2 आंखें होती है, जिनकी प्रत्येक टांग में प्रायः 7 जोड़ होते हैं। प्राणी शास्त्र इसे कीड़े नहीं मानते हैं क्योंकि कीड़ों को केवल 4 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं, लेकिन मकड़ियों में ऐसा नहीं है। कुछ जाति की मकड़ियां विषैली होती है और यदि उनके शरीर से निकलने वाला तरल पदार्थ मनुष्य के शरीर से स्पर्श कर जाए तो उस स्थान पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिनमें जलन होती है और जिनमें से पानी निकलता है। कुछ मकड़ियां तो इतनी जहरीली होती है कि कभी कभी उनके काटने से मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। मकड़ी प्रायः घरों में रहती है और अपने उदर्क से एक प्रकार की तरल पदार्थ निकालकर उनके तार से घर के कोनों आदि में जाल बनाती है। उसी जाल में यह मक्खियों एवं छोटे जीवों को फंसाकर अपना भोजन करती है। इन मकड़ियों में मादा मकड़ी बहुत ही खतरनाक होती है। वह इतनी बड़ी होती है कि नर मकड़ी को अपने भोजन में निगल जाती है। यह इतने खतरनाक होती है कि छोटे छोटे पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेती है। यह बहुत ही खतरनाक होती है। मादा मकड़ी बहुत ही खतरनाक होती है। यह एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं और यह बहुत ही जहरीला होती है। नर मकड़ी की अपेक्षा मादा मकड़ी बहुत जहरीला होती है। भारत में लगभग सभी प्रकार के मकड़ी पाए जाते हैं, सभी प्रजाति के मकड़ी हैं। यह जंगलों में, घरों में, नालों में, नदियों में होते हैं। सभी मकड़ी खतरनाक नहीं होती है, कुछ प्रजाति के मकड़ी ही खतरनाक होती है। खतरनाक मकड़ी के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ अगर मनुष्य के शरीर में लग जाए तो वहाँ पर वह जलन पैदा करती है और वहाँ के चमड़े को वह जला देती है और उससे दानेदार फुंसी निकलते हैं जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। वह उस तरह का होता है, उससे पानी निकलते रहते हैं। वह बहुत ही खतरनाक दर्द पैदा करता है। यह चित्र में मादा मकड़ी है, इसके शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ से ही मनुष्य को इन्फेक्शन होता है और हम कहते हैं कि मुझे कीड़ा मार दिया। वह कीड़ा नहीं होता, ये उड़ने वाली मकड़ी ही होती है जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन होती है, जलन होती है। अगर आँख में अगर इसके तरल पदार्थ लग जाए तो यहाँ तक कि आँख खराब भी हो सकती है।
और काटने से मनुष्य की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि इसमें इतना एसिड होता है। सबसे अधिक जहरीला वाला मकड़ी भारत में ही पाए जाते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में इतने जहरीले मकड़ी नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मैं इससे अधिक अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और आप लोगों के सामने रख सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।